हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इथिक्स ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं इथिक्स ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। सो इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स होते हैं कुछ उसूल। जैसे कि आप फोरेंसिक साइंस में हैं तो फोरेंसिक साइंस के कुछ उसूल हैं कि आपको एनालिसिस करनी है तो उसमें आपको सच्चाई साथ में रखनी है, किसी भी और पर्सन के फेवर में नहीं करना है, ट्रुथ के साथ में रहना है। तो ये सारे कुछ उसूल होते हैं एक फोरेंसिक साइंटिस्ट के। अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर हैं या फिर आप लॉ के लिए काम कर रहे हैं तो आप हाईली इथिकल होने चाहिए। ठीक है, हाईली इथिकल। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि फोरेंसिक रिपोर्ट चेंज कर दो तो उनसे पैसे लेके आपने फोरेंसिक रिपोर्ट चेंज कर दी। तो वैसे ही कुछ इथिक्स है फोरेंसिक साइकोलॉजी के, जो फोरेंसिक साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी फील्ड में जो भी लोग हैं उन्हें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, सो इथिकल थिंग्स क्या है? तो इथिकल रिकमेंडेशन एंड एक्सपेक्टेशन आउटलाइन फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी स्पेशली आर लिस्टेड इन APA's। APA's क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऐसा कुछ है। सो इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने इथिक्स भी बताया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सो इन्होंने क्या बताया हुआ है? इन्होंने बताया हुआ है कि इथिकल, कैसे इथिकल होना है। APA इज योर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्रोनिम पूछ सकता है, व्हाट इज APA विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल लॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो ये APA, इन्होंने गाइडलाइन बताई हुई है कि आपको कैसे इथिकल रहना है। दीज गाइडलाइंस इन्वॉल्व्स रिमाइंडर दैट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट शुड वैल्यू, क्या वैल्यू करना है आपको? इंटीग्रिटी। आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, आपको इम्पार्शियलिटी, किसी के लिए पार्शियल नहीं होना है, फेयर रहना है सभी के लिए, एज वेल एज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वेन पॉसिबल। सो किसी भी ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप की सिचुएशन आपको देखने को अगर मिलती है तो वहाँ आपको क्या करना है? अपने वैल्यूज मेंटेन करके रखने हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, किसी के लिए पार्शियल नहीं होना है, सबके लिए फेयर रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो APA ने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजी के बंदों के लिए बताया हुआ है। ठीक है, कि किसी भी केस में आपको फेयर रहना है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है तो वहां पे भी आपको ये अवॉइड करना है। दीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज इन सिचुएशन इन विच द साइकोलॉजिस्ट इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट टू वन साइड और अनदर साइड ऑफ द कोर्ट केस। ठीक है, किसी भी साइड में वो कंसल्टेंट हो सकता है। व्हेन द साइकोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई, अगर साइकोलॉजिस्ट को बोला जा रहा है कि चलो टेस्टिफाई करो, आप हमें बता के दो, और टू इवैल्यूएट समथिंग, कुछ चेक करने के लिए, कुछ टेस्टिफाई करने के लिए, कुछ इवैल्यूएट करने के लिए अगर साइकोलॉजिस्ट को कहा गया है, एंड इफ समथिंग collides with their own benefits and value, अगर आपको कोई benefit है, अगर कोई आपको benefit होने वाले हैं, तो अपने benefit को नहीं देखना है आपने। ठीक है, आपकी कुछ values होनी चाहिए, उनको आपको breach नहीं करना है। When a psychologist is faced with a decision for choosing between playing the role of individual's evaluator or treatment provider in a case, so अगर आप treatment provider हैं, अगर आप इवैल्यूएटर हैं, तो अगर आपको कोई पर्सनल गेन हो रहा है, अगर कोई पर्सनल आपका कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आपको बेनिफिट के साइड में ना देख के आपको अपने वैल्यूज के साइड में देखना है। ठीक है, आप अपने बेनिफिट की जगह पे आपको क्या रहना है? सच्चा रहना है और सही सही इवैल्यूएशन करना है, टेस्टिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है। अगर आप किसी भी पार्टी में हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई एक पार्टी का ही साइकोलॉजिस्ट बाउंड होता है इन रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उन्हें सच्चाई से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ये हमारे इथिकल रूल्स कहते हैं। द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो रिलेट्स टू द इथिकल गाइडलाइन विच इज रिलेटेड टू द हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट के साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है या फिर किसी क्लाइंट के साथ आपका आपकी कोई फ्रेंडशिप है या फिर रिलेटिव्स हैं या फिर ऐसा है, सो अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको इथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो आपका भाई हो, भतीजा हो, कोई भी फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर हो, ब्लड रिलेटिव हो, कोई भी आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी किसी भी रिलेटिव पर्सन जो भी हो,
आपको तब भी इथिकल गाइडलाइंस ही फॉलो करने हैं. ऑल्सो एज अ स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड फी और प्रो बोनो सर्विस फॉर इंडिविजुअल्स हु मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड हायरिंग. अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इतने पैसे नहीं है या आपकी फी नहीं दे सकता है वो, तो आपको फी में कंसेशन देनी चाहिए. ठीक है, ये भी आपकी इथिकल वैल्यूज के अंदर आना चाहिए कि कोई पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे नहीं है, अगर वो गरीब है या फिर पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको फी कंसेशन उस इंडिविजुअल को देना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं आपके कोई पर्सनल रिलेशन है, आप इस वजह से उस पर्सन को छूट दो या डिस्काउंट दो या फिर फी रिड्यूस करो. इट इज़ फॉर एवरीवन, वो सारे लोग जो कि कैपेबल नहीं है फी पे करने के लिए. अदर एथिकल गाइडलाइंस इन्वॉल्व रिसीविंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम क्लाइंट. तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, उनकी कंसेंट दी हुई होनी चाहिए आपको बिफोर कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन, respecting and acknowledging their privacy, confidentiality, privilege among clients and remaining impartial. Impartial rehna hai objective when involved in a trial and weighing the moral and ethical cost of implying with any court orders that may conflict the professional standard. Dekho agar aapka jo bhi client hai uske privacy ko aapne respect karni hai, confidentiality rakhni hai, koi bhi confidential information, कोई भी प्रिविलेज है उनके पास या जो भी है, तो अगर ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है तो आपको वो कॉन्फिडेंशियल ही रखनी है. ऐसा नहीं कि उनको जाके बोलो कि हाँ ठीक है तुम हमें बता दो और वो आगे जाके आप कोर्ट में उसे प्रेजेंट कर रहे हो इन अदर वे. ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की भी रिस्पेक्ट करनी है. इस तरीके से आपको एक अच्छा इथिकल स्टैंडर्ड सेट करके चलना है. ठीक है, सो दिस इज दी ethical responsibility of a forensic psychologist or a psychologist. अब हमने पढ़ना है assessment of mental competency. So मैंने already बताया mental competency क्या. mental competency check करके हमें ये पता चलता है कि कोई person कितना mentally stable and कितना mentally healthy है. ठीक है, so mental competency, for example अगर मैंने murder कर दिया and I am acting like I am not mentally fit या फिर मैं पागल हूँ या फिर I am not able to understand my actions, ये सारी चीज़ें, सो फिर मेंटल कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि सच में वो पर्सन मेंटली इनकेपेबल है या नहीं है, या मेंटली डिस्टर्ब है या नहीं है, या मेंटली इन है या नहीं है. तो उसके लिए हम करते हैं असेसमेंट ऑफ मेंटल कॉम्पिटेंसी, क्योंकि फिर अगर कोई पर्सन मेंटली इनकॉम्पिटेंट है तो फिर उसकी सजाएं डिफरेंट होगी, है ना. सो इसलिए टेस्ट करना जरूरी है. असेसमेंट ऑफ मेंटल कॉम्पिटेंसी क्या है. मेंटल कॉम्पिटेंसी मीन्स दैट अ पर्सन हैज इम्पेयर्ड extremely limited ability to remember, reason or sequence consequences of their action. ठीक है, ये देखने के लिए कि वो जो जिन्होंने वो act किया है वो उसके consequences क्या हैं, या फिर वो उसे याद नहीं रख पा रहा है, या उसका reason उसे नहीं पता है, या extremely limited या तो impaired है, या तो पूरा का पूरा पागल है, या फिर partial या पागल. I'm not just saying like that. ठीक है, do respect these type of people if they are mentally unhealthy or impaired. मैं जस्ट समझाने के लिए आप सभी को कह रही हूँ कि अगर कोई person completely impaired है, मतलब कोई भी उसे जानकारी नहीं है, he is completely and purely mentally ill, या फिर partially mentally ill है, जिसकी वजह से वो तो यार कुछ चीज़ें याद नहीं कर पा रहा है, चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है, या फिर consequences समझ पाने की capacity नहीं है. If someone mentally incompetent commits a crime, अगर कोई mentally incompetent person crime commit करता है, they cannot be held to the same standard as a mentally competent person. So अगर कोई person mentally healthy है, mentally ill नहीं है, उसको जो सजा मिलने वाली है वैसी सजा हम mentally ill person को नहीं देंगे, है ना. different होता है, different होती है सजाएं. okay, बिकॉज दे आर ईदर अनअवेयर. क्यों ऐसा हो रहा है कि उन्हें वैसी सजा क्यों नहीं दे रहे हैं जो कि एक मेंटली कॉम्पिटेंट पर्सन को देते हैं, बिकॉज वो जो बंदा या बंदी है वो अनअवेयर है व्हाट दे वर डूइंग. उन्होंने क्या किया इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं है. जैसे कि अगर आप मर्डर करने जाओगे तो आपको पता है कि आपको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, जेल में रहना पड़ेगा, एंड ये इलीगल एक्टिविटी है या लॉ के अगेंस्ट है. बट जो मेंटली इम्पेयर पर्सन है उसे तो नहीं पता है ना कि लॉ के अगेंस्ट है, वो तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करता है. ठीक है,
सो इस वजह से डॉक्टर टेस्ट फॉर इनकम्पिटेंसी बाय टेस्टिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन. सो डॉक्टर क्या करते हैं, मेंटल फंक्शंस भी चेक करेंगे एंड फिजिकल फंक्शंस भी चेक करेंगे. अ पर्सन कॉम्पिटेंसी इज ऑफन क्वेश्चन्ड इफ दे हैव मेंटल रिटार्डेशन. अगर किसी पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन है, कोई मेंटल इलनेस है, मतलब कोई दिमागी बीमारी है, या फिर सर पे चोट लगी है, ठीक है, या फिर कोई मेमोरी लॉस या कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन है, तो तब के केस में भी मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट करी जाती है. मेंटल इनकॉम्पिटेंसी मीन्स दैट अ पर्सन हैज इम्पेयर्ड एंड एक्सट्रीमली लिमिटेड. ये सेम चीज इसका मतलब होता है मेंटली इनकॉम्पिटेंट. इफ समवन मेंटली इनकॉम्पिटेंट, ओके यहाँ पे ये रिपीटेड है गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, आई विल रिमूव दिस. फाइन, ओके. डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स ऑफन सेट अ सेट बाय यूजिंग अ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं. दे आस्क सिंपल क्वेश्चंस एज व्हाट डे ऑफ, लाइक व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज, कि कौन सा दिन है, चलो बता दो भाई, कि आप कहाँ काम करते हो, कुछ चीज़ें आप याद रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो. बोलेंगे कि कोई भी वर्ड को बैकवर्ड स्पेल करो, जैसे एग्जामिनेशन को NOIDANIMAXE ऐसे बैकवर्ड्स स्पेल करने को कहेंगे. अब मेंटली कॉम्पिटेंट पर्सन ये कर सकता है, बट अगर कोई मेंटली इनकॉम्पिटेंट है या मेंटली सिक या इल है, उनको प्रॉब्लम होगी. द पेशेंट इज देन ग्रेडेड ऑन 30 point scale. सो 30 नंबर में से उनको ग्रेड किया जाता है, पॉइंट दिए जाते हैं. अदर टेस्ट मे बी परफॉर्म सच एज इन डेप्थ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. सो ये तो एक छोटा सा ऐसे वार्म अप टाइप ऑफ टेस्ट है. इसके अलावा इन डेप्थ न्यूरो फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है. न्यूरो फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में टेस्ट डिप्रेशन का टेस्ट होगा कि अगर वो पर्सन डिप्रेस है. टेस्ट ऑफ पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक डेली एक्टिविटीज, ये भी चेक किए जाएंगे. सो इट इज ऑल एक्सपेरिमेंट बेसिस, ठीक है. न्यूरोसाइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो आप कर सकते हो, बस इसके अलावा जो डेली एक्टिविटीज वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, या एक्सपेरिमेंट्स कहना चाहिए, ये सब पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं. सो उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम चेक करते हैं. इफ अ क्रिमिनल इज डिक्लेयर्ड मेंटली इनकॉम्पिटेंट, अगर कोई क्रिमिनल है, जैसे किसी ने मर्डर किया और हम कहते हैं कि वो तो मेंटली इनकॉम्पिटेंट है, दे विल मोस्ट लाइकली टू बी सेंटेंस टू अ स्टेट इंस्टीट्यूशन अदर देन जेल. तो उसको कहाँ रखा जाएगा, स्टेट इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा. और बी गिवन अ ट्रीटमेंट प्लान टू हेल्प देम इफ दे आर माइनर क्रिमिनल. अगर वो 18 साल से, जुवेनाइल कहते हैं ना, अगर 18 साल से कम है उस क्रिमिनल की एज, तो उसे कहाँ, उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा. अदरवाइज इफ दैट पर्सन इज मेंटली इनकॉम्पिटेंट, तो उसे स्टेट इंस्टीट्यूशन में रख के उसका इलाज कराया जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा उसे, ठीक है. सो ये कुछ एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो है. इफ द पर्सन हैज अ कैपेसिटी टू अज्यूम टू कैपेसिटी, अगर नहीं, अगर सॉरी, ये पहला पॉइंट है, इम्पेयरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ माइंड एंड ब्रेन. अगर येस तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नो तो पर्सन हैज कैपेसिटी टू अज्यूम ऑफ कैपेसिटी, मतलब वो मेंटली इम्पेयर नहीं है. अगर मेंटली इम्पेयर है तो आप क्या करोगे, डाउट रेज करोगे अबाउट द कैपेसिटी टू मेक पर्टिकुलर डिसीजन. अगर ले सकता है तो आगे बढ़ोगे, नहीं ले सकता तो अगेन पर्सन हैज कैपेसिटी, अजम्पशन ऑफ कैपेसिटी, ठीक है. आइडेंटिफाई एंड क्लेरिफाई डिसीजन टू बी मेड, अगर येस तो प्रॉपरली सपोज टू प्रोसेस एनेबल पर्सन टू मेक डिसीजन ऑन सम क्वेश्चंस. इसके अलावा डिसीजन दैट एविडेंस इज नेसेसरी टू प्रॉपर टेस्ट, ठीक है. गैदर डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, मेक डिसीजन स्पेसिफिक टेस्ट, डिसाइड द डॉक्यूमेंट बेसिस ऑफ डिसीजन, रिपीट द टेस्ट इफ नेसेसरी, टेक द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ टेस्ट ऑफ कैपेसिटी. सो टेस्ट ऑफ कैपेसिटी या टेस्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी भी इसी सेम फ्लो के साथ चलते हैं, ठीक है. फाइन, सो ये था आपका मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट.